हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी टीचर श्रीमती रानी दुबे आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम चैप्टर 5 का रिमेनिंग पार्ट शेष भाग पढ़ेंगे। सो आप किताब खोल लीजिए। आज हम करेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर के नीचे शब्द बोर्ड, अभी क्वेश्चन आंसर अपन एक्सरसाइज पूरा करेंगे, इसके बाद बोलेंगे। पहले अभी ये कर लेते हैं शब्द बोर्ड। नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। मझधार, अब इसमें क्या लिखा हुआ है? मगदार। मगदार की जगह हम क्या लिखेंगे? मझधार। ये शुद्ध वाक्य है। इसी तरह से इसके नीचे लिखा हुआ है गांव, तो उस पर चंद्रबिंदु नहीं लगा हुआ है, तो अपन जब शुद्ध रूप लिखेंगे तो उसका अपन चंद्रबिंदु लगा करके गांव लिखेंगे। इसी तरह से शहर, इसमें शहर लिखा है तो शहर नहीं शहर होता है, तो हम ये वाला शा बना के सिटी वाला उस तरह से लिखेंगे। इस तरह से नीचे पुरवाया, पुरवाया नहीं होती है, पूरब से आने वाली हवा को हम पुरवैया कहते हैं, तो ये इस तरह से लिखेंगे। परियों लिखा हुआ है, इसमें हम या यज्ञ का लिख के और ऊपरी मात्रा लगा के बिंदी रखेंगे, परियों। देश, देश में एक ही मात्रा लगती है, एक ही, इस पर देश लिखा हुआ है, देश लिखेंगे उसको। थीरक, थीरक नहीं होता है, क्या होता है? थिरक, तो हम इस तरह से छोटी की मात्रा लगा देंगे, था थर्मस पे थिरक हो जाएगा। दौड़, दौड़ नहीं होता है, वो दौड़ लिखा हुआ है तो दौड़ होता है, तो धा पे औ की मात्रा लगेगी और अणा बनेगा, नीचे बिंदी लगेगी। ये हो जाएंगे हमारे शुद्ध रूप। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे लिखे सही शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ हमें तीन तीन शब्द दिए हुए हैं, इसमें से एक शब्द सही है और दो गलत हैं, तो हमें सही शब्द चुन करके उस पर राइट का निशान लगाना है। का वाला है समुद्र, 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 तो इस पर से सही क्या है? पहला वाला समुद्र, इस पर हमें राइट का निशान लगाना है। इसी तरह से खा वाला है, उसमें नदी, नदी, फिर नदी, अशुद्ध कौन कौन से हैं? पहला नदी और नदी, सही कौन सा है? बीच वाला नदी, तो यहाँ पर हमें राइट का निशान लगाना है। गा वाला है नाव, नाव, वो वाक्य वाला उसमें चंद्रबिंदु लगाया हुआ है और फिर नाव और फिर लिखा है नाव, तो हमें सही शब्द पे चुन के लगाना है। सही कौन सा है? आखिरी वाला नाव, नाव बोलते हैं उसमें नाव, नाव ये दिया हुआ, ये गलत है, आखिरी वाले पे हमको सही का निशान लगाना है या चिन्ह लगाना है। अभी आगे चलते हैं व्याकरण बोध पे। इनके समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक का मतलब समान अर्थ रखने वाले, जिनका शब्द तो अलग हो लेकिन मतलब एक ही हो, भाव एक ही हो, तो भाई, भाई, भाई को हम क्या कहते हैं? भैया कहते हैं, भ्राता कहते हैं, तो ये भ्राता या भैया। सागर, सागर को हम और क्या बोलते हैं? उदधि, समुद्र, समंदर, तो उसका एक शब्द यहाँ पे लिख लिया हमने, समुद्र। फिर से आ गया समुद्र, जलधि, उदधि। इसी तरह से आ गया है नैया, नैया को हम क्या बोलते हैं? बेड़ा, नाव, नाव फिर दे दिया है तो नैया, नौका। नदियाँ यानी कि सरिता, नदियाँ में सरिताएँ, इसमें ए भी लगा सकते हैं अपन, नदियाँ बहुत सारी नदियाँ होती हैं, सरिता नदी को बोलते हैं। निम्न शब्दों के विलोम लिखिए, इनके हमें विपरीतार्थी शब्द लिखने हैं, विलोम उल्टा अर्थ रखने वाले। पानी, पानी का उल्टा क्या होगा? अग्नि। फूल का क्या होगा? कांटा। भाई का बहन, दिन का रात,
गांव, गांव का शहर, देश, देश का अपोजिट या विपरीत शब्द क्या होगा, विदेश, परदेश, ठीक है। लड़का, लड़का का लड़की, आकाश, आकाश का धरती, ये अपने अपोजिट हो गए क्योंकि आकाश ऊपर होता है, धरती नीचे होती है। अब इसके बाद रचनात्मक कार्य दिया हुआ है, वर्षा में नदी के किनारे जाकर कागज की नाव बनाकर चलाइए, नदी एवं नाव का एक चित्र बनाइए। तो आप तो चित्र बनाए, नदी किनारे यदि रहते हैं, घर के बड़े लोग साथ में हैं तो ही आप ऐसी कोशिश करें, ठीक है। बड़ों के साथ में जा कर के आप चला सकते हैं कागज की नाव, ये तो आपका रचनात्मक कार्य हुआ। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर। जल की धारा किस प्रकार चल रही है? उत्तर है इसका, जल की धारा इठलाती बा बलखाती हुई चल रही है। नाव किससे भरी हुई है? उत्तर है, नाव फूलों से भरी हुई है। बच्चों ने नाव छोड़ी है पानी में, कैसे छोड़ी उन्होंने, पहले उसको फूलों से भर दिया है। प्रश्न तीसरा है, बच्चे नाव बहाते समय क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं बच्चे? उत्तर है, बच्चे नाव बहाते समय हैया है, हैया है बोल रहे हैं। ये शब्द कौन सा होता है नाव चलाते समय बोला जाने वाला? हैया, हैया, ठीक है। प्रश्न चौथा है, नाव किस देश की ओर जा रही है? तो उत्तर है इसका, नाव परियों के देश की ओर जा रही है। ये पाठ काफ़ी अच्छा था, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने भी इंजॉय किया होगा, आपको भी लग रहा होगा कि कहीं पानी भरा हो तो हम भी नाव चलाएं। तो अब आपको क्या करना है, ये सारा का सारा बिल्कुल कंठस्थ याद करना है, और जितने वीडियो यहाँ से दिए जा रहे हैं आपको फुल तैयारी करना है, और उनको बिना देखे लिख लिख करके भी देखना है, पहले याद करना और उसके बाद बगैर देखे लिखना है। प्रश्न लिख ले, लिख लो देख करके, और उसके बाद उनके आंसर बगैर देखे लिखो। इसी तरह से वर्ड मीनिंग, ये मीनिंग दिए हुए हैं जैसे इसमें शब्द ज्ञान में, उनको इसी तरह से विकल्प उनको लिख लो, और आपको जो आंसर आपने याद किया है वो आपको लिखना है। शुद्ध रूप हैं, समानार्थक शब्द हैं या विलोम शब्द हैं, इन सबको पक्का याद करके और आपको बगैर देखे लिखते रहना। तो आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।